27 मार्च को अपना जन्मदिन मना रहे रामचरण इन दिनों अपनी आगामी फिल्म रंगस्थलम की रिलीज को लेकर व्यस्त हैं। रंगस्थलम 30 मार्च को रिलीज होने वाली है और सिनेमा व्यवसाय के जानकारों के अनुसार एडवांस बुकिंग में दक्षिण भारत में शीर्ष पर चल रही है। दक्षिण भारत सिनेमा की संपन्न विरासत से जुड़े रामचरण के आगामी प्रोजेक्ट का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार है। कुछ ही दिन पहले ये घोषणा हो चुकी है कि अभिनेता NTR और बाहुबली फिल्म निर्देशक SS राजामौली के साथ रामचरण अगली फिल्म में दिखाई देंगे। इस प्रोजेक्ट को RRR के नाम से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। 27 मार्च को जन्मदिन से पहले ही रामचरण को उनके माता पिता ने जन्मदिन का तोहफा एडवांस में दे दिया है, जिसे रामचरण ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। रामचरण की पत्नी उपासना ने भी सोशल मीडिया पर इस तोहफे से संबंधित फोटो शेयर की। अभिनय के साथ ही प्रोडक्शन में रामचरण सक्रिय हैं। कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि वो परिवार के प्रोडक्शन कंपनी को पत्नी उपासना के सहयोग से 15 साल बाद दोबारा स्थापित करने की योजना पर काम कर रहे हैं। रामचरण का बॉलीवुड डेब्यू खासा चर्चा में रह चुका है, हालांकि उसके बाद से वो किसी हिंदी फिल्म में नजर नहीं आए। अमिताभ स्टारर 70 के दशक की फिल्म जंजीर के रीमेक से प्रियंका चोपड़ा के साथ लीड भूमिका में रामचरण ने बॉलीवुड में एंट्री की थी। उस समय चिरंजीवी ने कहा था कि वो जिस एक्टर के फैन रहे उनके फिल्म के रीमेक से रामचरण की शुरुआत को लेकर वो खुश हैं। न्यूज रूम से फिल्म अड्डा की रिपोर्ट।